मैम 3 दिन से ये आर्ट फेस्टिवल चल रहा है, आज के बारे में बताएंगे, आज क्या एक्टिविटी होने वाली है? हाँ तो मैं पहले 3 दिन का बता दूँ। पहले दिन हम ना हमारे गैलरी का एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन हुआ था, और उसके बाद में शाम के वक्त में जितने भी आर्ट कॉलेज, जो फर्स्ट आर्ट कॉलेज था हिमाचल का, उसके जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं 1962 बैच से लेकर 1977 बैच तक के, उन्होंने आकर HC राय अपने गुरु को ट्रिब्यूट किया था। सेकंड डे जो शिमला स्कूल के बच्चे हैं वो आए, उनके साथ में आर्ट वर्कशॉप्स हुई, फिर आर्ट कंपटीशन हुआ, फिर उसी दिन टाकरी वर्कशॉप हुई, और कल जो है वो आर्ट कॉलेज के बच्चों के साथ में सेमिनार किया गया। सेमिनार का टॉपिक था नेसेसिटी ऑफ आर्ट इन लाइफ, और फिर इंटरेक्शन हुआ अभी बडिंग आर्टिस्ट का सीनियर आर्टिस्ट के साथ में। उसी कड़ी में जो आज चौथा दिन है, आज जो आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो आर्ट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, उनके साथ पूरी शिमला में अलग अलग जगह आर्ट वर्कशॉप हो रही है, जिसमें एक स्केचिंग हमारा मेजर इवेंट है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्रेलिक है, वाटर कलर है, पोस्टर कलर है, और ऑयल पेस्टर है। तो ये जगह जगह पूरे शिमला में ऑन स्पॉट सारे आर्ट वर्कशॉप चल रहे हैं, और आज का पूरा दिन जो है ये पूरा वर्कशॉप के ही लिए है, जिसमें बच्चे जो भी अपना काम है वो पूरा करेंगे। और कल हमारी सुबह 11 बजे क्लोजिंग है, और उसके बाद में शाम को 5 बजे नाटक है। नाटक का नाम है जाने शहादत, जो बम्बई से एक ग्रुप है, बॉम्बे थिएटर ग्रुप, वो लोग आए हैं करने के लिए। शाम को 5 बजे वो नाटक KT थिएटर के गौथिक हॉल में है, तो सब लोग वो नाटक देखने ज़रूर आए। और कल आखिरी दिन है एग्जीबिशन का, कल 7 बजे तक एग्जीबिशन रहेगी, तो मैं बोलूँगी कि सब लोग आए और इस कला महोत्सव में बढ़कर हिस्सा लें, और इन चित्रकारों जो जितने भी ये चित्र बने हुए हैं उनको समोएं और उन्हें सेलिब्रेट करें। मैम इसमें ऑलमोस्ट आपने बोला सर कि 3,000 से ज़्यादा फोटोग्राफ ये चित्रकार जी हैं आपके पास, तो सबसे खास ऐसी कौन सी है जो आपको भाती है? तो यहाँ टोटल अभी उनका कुछ 3,500 काम मेरे पास है। ये 10% काम यहाँ लगा है, 351 पेंटिंग्स लगी हैं, चित्र लगे हैं यहाँ पर, तो विच इज़ 10%। तो अगर मैं सारे लगाने जाऊँ तो शायद पूरा शिमला भर जाएगा फिर आपकी उनके वजह फेवरेट से। कौन सी है इसमें एक? मेरी मेरी फेवरेट जो है वो एक्चुअली ऊपर है। हाँ मेरी फेवरेट एक ये नेहरू जी की है, ये मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये उन्होंने ऑयल ऑयल ऑन पेपर किया है, लेकिन किया उन्होंने इसको वाटर कलर स्टाइल में है, जिससे वाटर कलर में ना वाइट कलर इस्तेमाल नहीं होता, वाइट छोड़ा जाता है पेपर का। तो ऐसे ही उन्होंने वाइट कलर, अगर आप पास से देखेंगे तो वाइट कलर यूज़ नहीं करा है। जो भी वाइट आप देख रहे हैं, चाहे वो आँख है, चाहे वो अंदर के आँख का जो स्पार्क है ना, वो भी वाइट छोड़ा हुआ है, तो इसमें वाइट, और ये मोनो में है। और मेरी ये भी बहुत ही फेवरेट, ये वाटर कलर है, तो ये तो हमारा शिमला ही है, ये बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, ये 1980 की बनी हुई है, और ये 1979, और ये मेरी बहुत ही सी मैंने फेवरेट यहाँ रखी हैं, द प्रोटेक्टर्स, ये 1954 में, और ये सिर्फ नाइफ से बनी है, इसमें ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं, इट्स ओनली नाइफ। मैम इसके बाद आगे क्या? अभी तो 300 फोटोग्राफ्स आपने, 350 पेंटिंग्स ही आपने शोकेस किए हैं, बट आप फ्यूचर क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम धर्मपुर में रहते हैं, गांव में, रौड़ी में, वहाँ पर हम एक गैलरी डेवलप कर रहे हैं जो आने वाले समय में हो जाएगी, तो हम वहाँ पर एक परमानेंट गैलरी बना देंगे, और हम हर साल मई या जून महीने में हम हर साल यहाँ पर एग्जीबिशंस किया करेंगे, जिसमें ना सिर्फ HC राय की पेंटिंग्स होंगे, बल्कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो भी हर साल, एक साल में जो भी नया काम होगा उसको हर साल आकर यहाँ पर एग्जीबिट करेंगे। और इसकी फंडिंग कहाँ से करेंगे आप? गैलरी बनाना काफी बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है। फंडिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे लोगों से भी मांग रहे हैं, सरकार से भी मांग रहे हैं, हम अपने आप भी मेहनत कर रहे हैं कि हम, और जो भी इन पेंटिंग्स के
सेल से जो पैसा आएगा वो। एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं बहुत हाईलाइट करना चाहती हूँ कि इन पेंटिंग्स की सेल से जो भी पैसा आ रहा है वो हम 25% जो चीफ मिनिस्टर आपदा कोष है उसमें हम जो है वो डोनेट कर रहे हैं इस सेल से, क्योंकि मेरे पिताजी हर साल 1,00,000 रुपया डोनेट करते थे जब तक वो जिंदा थे। तो मैं उनकी जब सारी परंपरा को आगे लेके चल रही हूँ तो मैं इस परंपरा को भी बनाए रखना चाहती हूँ कि मैं अपने प्रदेश के लिए डोनेट करती रहूँ जब तक कर सकती हूँ। थैंक यू।